ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की मांग यही है कि गिरफ्तारी होने तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस की जांच बहुत धीमी चल रही है, बात उन्होंने साफ कर दी है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ये ब्रजभूषण की है, ये विनेश की है, ये साक्षी की है और ये बजरंग पुनिया की है। बजरंग पुनिया की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दावा यह किया गया था कि ब्रजभूषण ने उनको एक इनाम दिया था और ब्रजभूषण को बहुत ही महान इंसान अपने उस पोस्ट में बता रहे थे बजरंग पुनिया ही। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिसमें उनसे एक पत्रकार ये पूछते हैं कि पहलवानों को क्या मेडल वापस कर देने चाहिए या फिर वो मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो ब्रजभूषण ने कहा था कि उनको मेडल नहीं बल्कि पैसे वापस करने चाहिए। मेडल तो 15 रुपये का है, वो तो कभी भी खरीदा जा सकता है, तो उनको पैसे वापस करने चाहिए। तो ये सारी बातें जो ब्रजभूषण ने कही बहुत चुभने वाली थी। इसको लेकर पहलवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, तमाम बातें उन्होंने कही थी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा ये हुई इस बात को लेकर कि ब्रजभूषण ने आखिर कैसे 15 साल की मेहनत के बाद पाए गए मेडल को 15 रुपये का मेडल बता दिया था। दूसरी तरफ ब्रजभूषण का एक और वीडियो ऐसे वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये खुद कबूला था कि मैंने हत्या की थी। जी हाँ, इतना बड़ा सच कबूल रहे थे कि मैंने किसी की जान ली है। अब आप देखिए कि मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे जाने अनजाने में, चाहे गलती से या कैसे भी, अगर किसी की जान ली है तो वो कानून की नज़र में दोषी है। अगर सेल्फ डिफेंस के लिए किया होता तो बात अलग होती, लेकिन ब्रजभूषण उसमें जिस तरीके से अपनी बात बता रहे थे वो बात अलग थी पूरी तरीके से। और उसमें हत्या का मामला था, मतलब वीडियो प्रूफ मौजूद है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप खुद इस मामले पर रखिए अपनी राय, क्या सचमुच ब्रजभूषण की ये सारी वीडियो क्लिप भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ब्रजभूषण तो दोषी हैं लेकिन सरकार ही इनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रही, क्योंकि अगर सरकार गिरफ्तार करेगी तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी। तो आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।